साथियों, आप सभी को जानकारी है कि हाल ही संपन्न हुआ काशी तमिल संगमम कितना सफल रहा। इस कार्यक्रम में हमने प्राचीनता, नवीनता और विविधता को एक साथ सेलिब्रेट किया। इन आयोजनों में तमिल साहित्य के सामर्थ्य के भी दर्शन हुए हैं। काशी में तमिल संगमम के दौरान कुछ ही समय में हजारों रुपये की तमिल भाषा की पुस्तकें बिक्री हुई थी। तमिल सिखाने वाली पुस्तकों के लिए भी वहां जबरदस्त क्रेज था। हिंदी भाषी क्षेत्र में, और वो भी आज डिजिटल युग, ऑनलाइन की दुनिया, ऐसे समय काशी में हिंदी भाषी लोग तमिल किताबों को इस तरह पसंद किया जाना, हजारों रुपये की तमिल की किताबें खरीदना, ये हमारे देश के सांस्कृतिक कनेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, मैं मानता हूं तमिल लोगों के बिना, काशीवासियों का जीवन अधूरा है, और मैं काशीवासी हो गया हूं। और काशी के बिना तमिल के लोगों का जीवन भी अधूरा है। ये आत्मीयता, जब कोई तमिलनाडु से काशी आता है तो सहज ही दिखाई देती है। काशी का सांसद होने के नाते ये मेरे लिए और भी गर्व की बात है। मैंने देखा है कि काशी में जो नौका चलाने वाले लोग हैं, शायद ही कोई ऐसा नौका चलाने वाला मिलेगा जिसको तमिल के 50-100 वाक्य बोलना ना आता हो। इतना वहां पर मेलजोल है। ये भी हम सभी का सौभाग्य है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम पर एक चेयर की स्थापना की गई है। सुब्रमण्यम भारती जी ने काफी समय काशी में बिताया था, काफी कुछ वहां से सीखा था। ये भी पहली बार हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों में, काशी विश्वनाथ मंदिर का ट्रस्ट बहुत पुराना है, पहली बार काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का ट्रस्टी तमिलनाडु के एक महाशय को बना दिया गया है। ये भी प्यार है। ये सारे प्रयास एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने वाले हैं।